सोलन के किसानों को काफी समय से बारिश का इंतजार था। करीबन 5-6 माह से बारिश नहीं हो रही थी। खेत खलियान सूखते जा रहे थे, यहाँ तक कि पानी के प्राकृतिक स्रोत भी सूखने के कगार पर थे, जिसके चलते गांववासी फसलों को सींच नहीं पा रहे थे। उन्हें चिंता सता रही थी कि अगर समय पर बारिश नहीं होती तो उनकी फसलें सूख सकती हैं और कुछ फसलों की बुआई भी बारिश के कारण अटकी पड़ी थी। लेकिन आज हुई बारिश से खेतों में नमी आ गई है। अगर इसी तरह की बारिश कुछ दिनों में और हो जाए तो ये बारिश फसलों के लिए वरदान साबित हो सकती है। किसानों ने आज हुई बारिश पर खुशी जताई और कहा कि इस बारिश से किसानों को बेहद राहत मिली है। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी फसलें जैसे मटर, गोभी, लहसुन, जौ, सरसों की बुआई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इन फसलों की बुआई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि करीबन 5-6 माह से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से खेत बिल्कुल सूख चुके थे। नमी खेतों से खत्म हो चुकी थी। प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाकर खेतों की सिंचाई कर रहे थे, लेकिन प्राकृतिक स्रोतों में भी पानी न के बराबर था, जिसके वजह से उन्हें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि आज हुई बारिश उनके खेतों के लिए वरदान से कम नहीं है। उन्हें आस जगी है कि उनकी फसल समय पर लगेगी और उन्हें अच्छा मुनाफा देगी। बारिश बहुत समय के बाद हुई है और जैसे कि बारिश की कमी भी बहुत हो गई थी, तो अब खेतों के लिए बहुत अच्छी से बारिश लाभदायक है, अच्छे से फसल हो जाएगी। और जितनी भी बीमारियां थी, धूल मिट्टी वगैरह, तो वो सभी साफ हो रहा है मौसम, और फसल भी बहुत अच्छे से उग रही है। बहुत दिक्कत आ रही थी, 4-5 महीने से बारिश ही नहीं हो रही थी, और क्या नाम बोलते, अब बारिश हो चुकी है, अब फसलों के लिए बहुत अच्छी है। आगे मटर वगैरह लगानी है, गेहूँ, और क्या नाम बोलते हैं उसको, जौ वगैरह, और ये उसकी बिजाई करेंगे सरसों वगैरह की, बहुत अच्छी होगा फिर बारिश की वजह से। फसल में हम एक तो मटर लगाया आजकल, और बारिश हुई है, जौ लगाएंगे, सरसों लगाएंगे, तो बारिश से अब फायदा ही फायदा है। 6 महीने बाद बारिश हो रही है, अब सूखा पड़ा हुआ था 6 महीने से, तो बारिश तो जी देखो सूखा पड़ा हुआ था अभी तक 6 महीने से, और शॉर्टेज आ गई थी पानी की भी, अब दिक्कत थी ज़िम्मेदार को, जो भी ज़िम्मेदार कर रहे हैं, पानी की शॉर्टेज हो गई थी, और अब बारिश हो गई है तो काफ़ी फ़ायदा होएगा। नई फसलें लगाएंगे तो अब तो फायदे फायदे है जी उसमें, देखो अब मटर लगाएंगे हम, जौ है, कनक है, तो बारिश की तो बहुत ज़रूरत है अब।